नमस्कार मित्रगणों, न्यूज क्लिक और अभिसार शर्मा के यहाँ पर ही रेड की क्रोनोलॉजी समझिए। क्या हर सच बोलने वाली निष्पक्ष आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? खैर, इस मामले में प्रेस परिषद से लेकर संगठन नेता विपक्ष जाग गए हैं, लेकिन जब देश के अलग अलग हिस्से जहाँ छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में पत्रकारों पर हमले होते हैं, झूठी कार्रवाई होती है, चीज़ें होती हैं, तब ये संगठन कहाँ चले जाते हैं? पत्रकारी संगठनों का मकसद होना चाहिए पत्रकारों की सुरक्षा, लेकिन इनके दोहरे मापदंड देखने को आते हैं। एक तरफ दिल्ली में जब कुछ ऐसा होता है तब हाँ, इन्हें उस समय भी जारी करना चाहिए था, बताना चाहिए था, जब पार्टी अलग अलग एंगल से चीज़ें करती हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है चौथे स्तंभ यानी जमीन से जुड़े लोगों की जानकारी अन्य तीन स्तंभों तक पहुंचाकर जनता की बात जनता के साथ पहुंचाना, यानी नीचे के तबके की आवाज़ ऊपर तक बराबर पहुंचे और लोगों को न्याय मिल सके। खैर, यहां भी सरकार जिसका भी जो रवैया है बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक न्यूयॉर्क टाइम की खबर के बाद से लगातार जो निशाने पर लिया गया, अगर कोई मीडिया मालिक या संगठन ऐसी बातें करता है या उसकी आय का सोर्स क्या है, तो उस मामले में अभिसार शर्मा जैसे यूट्यूब के पत्रकार जो फीस लेकर अपना शो चलाते हैं उनके यहाँ छापेमारी। खैर, क्या रैकेट चला है, इसके पुख्ता प्रमाण हैं या चीज़ें हैं, और किस आधार पर लगातार हर स्वतंत्र आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? कोई इसे लोकतंत्र पर हमला कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हम इसे नहीं कहेंगे जब न्यूज क्षेत्र यानी चैनल मीडिया के छोटे छोटे जिला या फिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर पत्रकारों पर तथाकथित हमले होते हैं, तब ये दोहरे मापदंड वाले शांत क्यों हो जाते हैं? तब उन्हें क्यों पत्रकारिता सिद्धांत की याद नहीं आती? क्या बड़े पत्रकारों के लिए ही पत्रकारिता मापदंड और चीज़ें होती हैं? देश में एक संविधान, एक कानून, हर नीति हर किसी के लिए होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल न्यूज क्लिक जो सरकार की आलोचना के लिए जाना जाता है, यानी सरकारी सिस्टम की कुरीतियों को सामने लाकर, कुरेद कर सच को सामने लाना, क्या इस पर छापेमारी उचित है या फिर न्यूज क्लिक पर छापेमारी, मीडिया पर छापेमारी यानी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर छापेमारी है? खैर, अगर जो एंगल आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए जाते हैं या फिर उनमें तथ्य है तो ये छापेमारी बिल्कुल उचित है, लेकिन अगर सरकार प्रशासन केवल मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए, पुलिस आखिर किस आधार पर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब्त किया है? समाचार एजेंसी PTI की खबर के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक नया मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। बहरहाल, इसमें राष्ट्रद्रोह यानी देश के विरुद्ध साजिश से लेकर बहुत से एंगल हैं। बहरहाल, न्यूज क्लिक से संबंधित 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2009 में शुरू हुए न्यूज क्लिक को सरकार की आलोचना के लिए जाना जाता है। उस समय UPA की सरकार थी। कुछ समय पहले ही इस न्यूज पोर्टल पर चीन से फंडिंग लेने के आरोप लगे थे और ED ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बहरहाल, उसी मामले को लेकर ये छापेमारी बताई जाती है, लेकिन आलोचक बताते हैं कि सरकार के विरुद्ध में उठने वाली हर आवाज़ को दबाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रशासन सीधा प्रहार कर रहा है। खैर, मामले की सच्चाई जो भी हो, लेकिन यहाँ पर मीडिया और सभी साथ में खड़े हैं। हम भी आलोचना सरकार की करते हैं कि सरकार ने अगर ये बदले की भावना से किया है तो बेहद ही गलत किया है, लेकिन जो आज सपोर्ट मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, लेकिन देश के किसी भी हिस्से में, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो या फिर पश्चिम बंगाल तक, किसी के साथ अन्याय होता है, वो पत्रकार हो या किसी पत्रकार को किसी भी मामले में उत्पीड़ित किया जाता है, तब ये दिल्ली वाला सिस्टम वहाँ पर दोगला रुख क्यों अपनाता है? क्या वो पत्रकार इनकी नज़रों में नहीं है या केवल तथाकथित देश के दिल्ली वाले ही पत्रकार हैं? अभिसार शर्मा या न्यूज क्लिक के लोगों के साथ जो हुआ उसकी जांच करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन प्रेस क्लब इंडिया ने भी छापेमारी की चिंताजनक बताते हुए निंदा किया है। साथ में सरकार की आलोचना करना बेहद ज़रूरी है। इंटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी पूरे घटनाक्रम पर निंदा की है और बयान भी जारी किए हैं। खैर, मीडिया पर किसी पर भी कानून से अलग कोई भी छूट की ज़रूरत बेशक नहीं है, लेकिन अगर सरकारी सिस्टम से लेकर राजनीति में बैठे लोग अपने भ्रष्टाचार और कुरीतियों को बचाने के लिए
इन चीज़ों निष्पक्ष चीज़ों पर आक्रमण करते हैं यानी उन्हें भी गोदी बनाने की कोशिश करते हैं, इस कदम की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। हम विशाल की रिपोर्ट में निष्पक्ष हर जानकारी आपको लेकर आएंगे। हर पत्रकार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो हर शोर से चीज़ें ला सके। ज़मीनी हकीकत लाने के लिए बहुत कुछ संघर्ष और झेलना पड़ता है, कभी ऊपर से लेकर नीचे तक तो कभी आर्थिक स्थिति, लेकिन फिर भी हर एंगल से जहाँ तक संभव होगा हर चीज़ को व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता और सहमति असहमति से अलग आलोचना के साथ हर मंच पर आर्टिकल 19 ए के तहत हर किसी को आज़ादी होने यानी आज़ाद रहने का पूरा अधिकार है। अगर कोई किसी पर भी अनुचित तरीके से दबाने का फर्जी केस दबाकर उसे अंदर करने या फिर परेशान करने की कोशिश करती है तो उसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। निंदा ही नहीं, आपराधिक मामले में ऐसे शासन प्रशासन से लेकर अधिकारी तक पर कड़ी कार्रवाई की ज़रूरत है। बहरहाल जो भी मामला होगा, सरकारें 5 साल तक रहती हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी पीछे बढ़ेंगी जब तक लोकप्रियता है। एक ना एक दिन सूरज चांद और सच को ज़्यादा समय तक छिपाया नहीं जाता है। जब इमरजेंसी वाले दौर की खात्मा हुआ तब भी ऐसी चीज़ें खुल के सामने आई हैं, क्या इन्हें भी छिपाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हर तानाशाह की आवाज़ मिटेगी और सच सामने आएगा। जब सच आता है तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विशाल की रिपोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य अवगत कराइएगा। छोटे से कमेंट के माध्यम से हमने आपको इस मामले को अवगत कराया है। जय हिंद।